सोई हुई तकदीर है यहाँ जा जगाए मांग रहा हूं।
Oh, yeah.
نہیں مانگا، اپنے خواجہ سے کیا مانگا؟ بہت غریب ہوں غربت کو ٹال دو خواجہ، بس ایک چشم کرم مجھ پہ ڈال دو Thank you.
بتا رہا ہوں. ہاں ہاں بھائی آرام سے, بڑی پوری رات پڑی ہے, توجہ چاہتا ہوں. نہ تو ایک کلام آیا تھا نصیب بھائی, کھڑے ہیں سب ریڈی گھنٹائے ہم چلائے, غریب رب کے ہر ڈبے میں ہوئے. پڑھنے والے پہ بھی لعنت اور سننے والوں پہ بھی لعنت, بے شمار لعنت. میری فطرت ہے میں کھائے بنا رہ سکتا ہوں, بولے بنا نہیں رہتا. یہی توہین غریب نواز ہے, یہی توہین غریب نواز. لوگ اجمیر کربلا جانے کی دعا مانگتے ہیں, مدینے جانے کی دعا مانگتے ہیں, حج پہ جانے کی دعا مانگتے ہیں, اور یہ قوالوں نے چلم پلانا شروع کر دیا. بھگتان بھگتنا پڑے گا, آج نہیں تو کل بھی بھگتنا پڑے گا, کیونکہ میرے خواجہ کی شان ہے یہ, عطائے رسول ہیں میرے خواجہ. میرے بھائیوں ہاتھ جوڑ کر اٹھ جائیں, ایسے کلاموں سے گریز کرو, بچو, ورنہ آج خیر مسلک کے لوگ ہم پر انگلیاں اٹھائیں گے کہ لوگ یہ خون کرتے ہو, یہ چلم کا کام تمہارا ہے, عزت تمہارے کا. توجہ چاہتا ہوں, خواجہ کا دیوانہ کیا کہہ رہا ہے اپنے خواجہ سے. جاؤ توحید کے نسبت کے پیالے رکھ دے, میرے کردار میں انداز نرالے رکھ دے, تیری ٹھوکر سے چمکتے ہیں مقدس خواجہ, میری آنکھوں میں مدینے کے اجالے رکھ دے, میری آنکھوں میں مدینے کے اجالے رکھ دے. کیوں کیوں غریبوں کو گھر پہ بلانے ہیں بھائی, غریبوں کو گھر پہ بلانے ہیں بھائی, خدا اور نبی سے ملانے ہیں. Thank you.
मिलाते हैं ख्वाजा ऐसी
भाई भाई मेरी तरफ तो सैयद साहब कहाँ चले गए? बुलाएंगे बुलाएंगे अभी 3 बजे के बाद। हाँ 3 बजे के बाद। हाँ 3 बजे के लिए हाजिर के बाद बैठी। अल्लाह ताला ने खाने में दो सिफत रखी है नसीब भाई। अगर मान लो कि जबलपुर के राजा ने, अरे मेरे भाई सुन लो यार मेरी बात, सुन लो पहले, इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं हूँ, मुझे सुन लो, मुझे देख लो। अगर जबलपुर के राजा ने खाने की दावत रखी, तुम्हें खाने की दावत नहीं दी, और अगर कोई तुमसे कहे कि नसीब भाई सदर साहब सोने की थाली में खाना रखा है, चलो खाने जाए, तो आप कहोगे वो राजा होगा उसके घर का, हमें दावत नहीं है। इत्तफाक सदर साहब का अगर मान लो चंदिया से गुजरना हो या नसीब भाई कबर ही से गुजरना हो, और अगर किसी ने कह दिया कि गरीब नवाज का लंगर चल रहा है, आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे दावा दो के नहीं, बस वो तो ये फिराक में बस दो रूप में मिल जाए बस ले। अल्लाह ने खाने में एक बात रखी है, तवज्जो तवज्जो। गरीबों को दर पे बुलाते हैं ख्वाजा खुदा और नबी से, जो मांगा खुदा से तो आवाज आई मोहम्मद का सस्ता, जिसे सारी दुनिया ने ठुकरा दिया हो गले जैसे उसको लगाते हैं ख्वाजा। तसव्वुर में देखे दयारे मोहम्मद मैं इश्क ऐसी पिलाते हैं ख्वाजा। लंगर के दाने में ऐसी कड़ा जमाने की किस्मत जो तो बसना चाहते। मैं ख्वाजा साहब से हर साल ये दुआ करके आता हूँ कि मेरे मोइनुद्दीन इतनी जिंदगी देना कि मैं हर महीने आपकी छती में आऊं। सुभान अल्लाह। हर साल आपके उर्स में आऊं, हर साल आपके रोजे बनाऊं, हर साल आपका दीदार करूं, हर महीने आपका दीदार करूं। अजमेर में मरने का कोई फायदा नहीं है। खादिम साहब आएंगे कौन काम करो एम्बुलेंस मंगाओ ले जाना पार्सल मस्जिद तक, यही सच्चाई है। और मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो, यहाँ बड़े बुजुर्ग मौलाना भी लोग बैठे हैं, एक दरबार ऐसा बता दो कि जहां से मौत मिलती हो। कोई भी दरबार में जब आदमी को अल्लाह ना करे कहीं कोई फालिश हो गया, कोई पेट की तकलीफ हो गई, आंख की तकलीफ हो गई, आदमी फौरन दरबार में जाता है, पानी वारता है, अपने चेहरे पर लगाता है, आंखों में डालता है, पीता है। भाई ऐसा बोला है कभी बाबा मुझे फालिश हो गया मेरा इंतकाल हो जाए मेरी ऐसी कर दो? अल्लाह ने वलियों के दर शिफा के लिए बनाए हैं, मौत के लिए नहीं। अब तो बच्चों गरीबों को दर पे बुलाते हैं ख्वाजा खुदा और नबी से मिलाते हैं ख्वाजा, जो मांगा खुदा से तो आवाज आई मोहम्मद का सदका।
اور یہ سب سے